नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी के इस विशेष सीरीज़ फास्ट टैग रिवीजन सेशन में आप सभी का मैं हेमंत प्रधान स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट संग्रह होगा। ठीक है, आइए देखते हैं विद क्वेश्चन नंबर वन। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, वो डिस्कवर न्यूट्रॉन। ऑप्शंस आर जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, चैडविक और रदरफोर्ड। क्या होगा इसका सही आंसर? दोस्तों, ये जो पार्टिकल्स हैं जो एटम्स के अंदर मिलते हैं, जो परमाणु के अंदर मिलते हैं, आइए हम देखते हैं कौन कौन से हैं। जे थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। सेकेंड ऑप्शन में गोल्डस्टीन, इन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी। ठीक है, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे क्या है? कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। और रदरफोर्ड भी अगर दिया है तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि रदरफोर्ड अगर दिया है आपको तो ये उनका परमाणु मॉडल उन्होंने दिया था। और कई बार कुछ किताबों में ऐसा भी दिखता है कि आपको गोल्डस्टीन ना दिख के रदरफोर्ड दिखता है। तो अगर चार ऑप्शन दिए हैं, गिवन है, और उसमें गोल्डस्टीन का नाम नहीं दिया है तो वहाँ पर रदरफोर्ड भी आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि वास्तव में प्रोटॉन की उपस्थिति को सिद्ध किन्होंने किया था? रदरफोर्ड ने ही किया था। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या है यहाँ पर आप देखेंगे, चैडविक न्यूट्रॉन का होगा। और प्रोटॉन का अगर पूछा जाए तो गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड आप दोनों को देख लीजिएगा। अगर गोल्डस्टीन एब्सेंट है तो वहाँ रदरफोर्ड को टिक कर सकते हैं, अगर वहाँ पे गोल्डस्टीन है तो उसे प्राथमिकता आप देंगे। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अम्ल राज या एक्वारेजिया किसे कहते हैं? व्हाट इज एक्वारेजिया? ऑप्शंस आर नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, तीसरा है सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड। क्या है इसका सही आंसर? दोस्तों, एक्वारेजिया एक काफ़ी महत्वपूर्ण एक केमिस्ट्री का रसायन होता है, केमिस्ट्री का एक कहना चाहिए इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक्वारेजिया का कॉन्सेप्ट। देखिए कि HCl प्लस HNO3, ठीक है, अगर 3:1 में दोनों को मिलाते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल राज या एक्वारेजिया कहते हैं। इसे सोना को गलाना है, प्लेटिनम को गलाना है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसमें ऑप्शन देखिए क्या क्या है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, इसमें अनुपात चेंज कर दिया है, पहले HNO3 है तो हम इसे क्या लिखेंगे? 1:3, 1:1 HNO3 का और 3:1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है। ठीक है, ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर, ए इसका सही उत्तर है। इसके बाद देखिए, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड। दोस्तों, विगत वर्ष का PSC पेपर देखेंगे तो आपको पूछा है सोडा के बारे में। देखिए, आपको मैं आज एक ऐसी चीज़ बताऊंगा, भूलेंगे नहीं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, आपको इसका पहले सही आंसर निकाल लेते हैं। देखो, आप में इसमें देखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट अगर दिया है तो दोस्तों ये खाने का सोडा है। कैसे याद रखेंगे? जनरली हमको भूख लगती है तो हम क्या है, जोमेटो से बाय करते हैं। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों में कन्फ्यूजन होता है, तो हम जोमेटो से बाय किए तो खाने वर्ड आ रहा है, खाने से रिलेटेड, इसलिए आप याद रखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, समझ रहे हैं। और सोडियम कार्बोनेट की जब बात आती है तो वो धोने का सोडा है। उसके बाद देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यस दिस इज द राइट आंसर, कास्टिक सोडा इसी को हम कहते हैं। सोडियम क्लोराइड तो सॉल्ट या नमक है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। घरों में प्रयोग होने वाले गैस सिलेंडर में क्या कौन सी गैस होती है? मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन एंड डी ऑप्शन इज BNC। दोस्तों, ये आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें देखेंगे आप कि सही आंसर जो है, गैस सिलेंडर में ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों गैस भरी होती है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होती है, काफ़ी कम दाब पे संपीड़ित करके हम इसे रखते हैं, समझ रहे हैं। इस प्रकार आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह क्या है, जल गैस है, जल गैस है, तो वो क्या है, वाटर गैस, CO प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, ब्यूटेन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन कह सकते हैं इसे, मीथेन, मीथेन क्या है और ब्यूटेन क्या है। इसमें देखिए आप इसे आप अलग कर लीजिए, दोनों हाइड्रोकार्बन तो हैं ही, बस इसमें देखेंगे आप नाइट्रोजन और
हाइड्रोजन दो एलिमेंट यूज हो रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब भी नाइट्रोजन यूज करें तो हम उसे प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब हाइड्रोजन गैस यूज करें तो उसे क्या कहेंगे, वाटर गैस या जल गैस कहेंगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु है, लाइटेस्ट मेटल, ऑप्शन आर हाइड्रोजन, ऑस्मियम, लिथियम, क्रोमियम, क्या होगा इसका सही आंसर? दोस्तों यहाँ लाइटेस्ट मेटल पूछा है, हल्की गैस अगर होता तो हाइड्रोजन होता, लेकिन सबसे हल्की धातु पूछा है तो इसलिए इसका सही आंसर है लिथियम। ठीक है, लिथियम इसका सही आंसर है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तीसरे नंबर पे परमाणु क्रमांक है इसका। ठीक है, तो ये मेटल है, और गैस के पूछा जाए तो हाइड्रोजन है, ऑस्मियम के क्या सर्वाधिक जहाँ आइसोटोप या समस्थानिक मिलते हैं। ठीक है, क्रोमियम क्या है, काफ़ी मजबूत या कठोर धातु है, समझ रहे हैं, प्लेटिनम के जैसे ही काफ़ी मजबूत धातु है। अब देखते हैं, अच्छा इसका सही आंसर क्या है, लिथियम। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में किसकी परत चढ़ाई जाती है, क्रोमियम, तांबा, जिंक और एल्यूमिनियम। सबसे पहले गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण क्या है जान लीजिए। गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण यह होता है कि लोहे या स्टील में कई बार क्या है, जंग लग जाती है, तो उसे जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ता या जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं या गैल्वेनीकरण कहते हैं, इसे यसत लेपन भी कहते हैं हिंदी में, तो याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, सी, जिंक। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सुमेलित नहीं है, इट इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, नीला थोथा, ब्लू विट्रियोल, कॉपर सल्फेट, सुहागा या बोरेक्स, सोडियम टेट्राबोरेट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, रणनीतिक धातु टंगस्टन। ठीक है, सुमेलित नहीं है पूछा है, प्रश्न अगर देखेंगे थोड़ा सा मैंने इसे आसान बना दिया है, लास्ट ऑप्शन देखिए आप, स्ट्रेटेजिक मेटल या रणनीतिक धातु दोस्तों टाइटेनियम को कहते हैं, और यहाँ पे टंगस्टन लिखा है, टंगस्टन बेसिकली किसमें यूज़ होता है, बल्ब में यूज़ होता है। ठीक है, जिसका गलनांक काफ़ी ज़्यादा होता है, समझ रहे हैं। तो इसमें क्या है, आप डी इज द राइट आंसर, जो करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, रणनीतिक धातु टाइटेनियम को कहते हैं, इस प्रकार क्या है, उसके ऊपर जो तीनों दिए हुए हैं वो करेक्टली मैच है, नीला थूथा कापर सल्फेट को कहते हैं, सुहागा या बोरेक्स सोडियम टेट्रा बोरेट, बोरेक्स बोरेट से याद रखेंगे आप, और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को MgOH को कहते हैं, समझ रहे हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पिच ब्लेंड या पिंच ब्लेंड किसका अयस्क है, किसका ओर है पूछा है, ऑप्शन आर एल्यूमिनियम, यूरेनियम, थोरियम और कैल्शियम, क्या होगा इसका सही आंसर? 200 पिंच ब्लेंड अयस्क है यूरेनियम का। ठीक है, पिंच ब्लेंड किसका अयस्क है, यूरेनियम का, इस प्रकार बी इज द राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम घुलने के कारण होती है, तो उसका कौन सा यौगिक हो है? इसमें पूछा है सल्फेट होता है, बाइकार्बोनेट होता है, क्लोराइड होता है या नाइट्रेट होता है। सबसे पहले जान लीजिए जल की स्थायी कठोरता या अस्थायी कठोरता क्या होती है। स्थायी कठोरता यानी कि जो होता है टेम्परेरी हार्डनेस जो होता है, वह क्या होता है, कई बार हम उसे बॉइल कर देते हैं, उबाल देते हैं तो वो दूर हो जाती है, समझ रहे हैं। और जो स्थायी कठोरता होती है उसे उबालने से भी दूर नहीं होती, साबुन आप वहाँ यूज़ करें तो झाग नहीं देता है, समझ रहे हैं। तो वह क्या है, आपका हार्ड वाटर या कठोर जल है। ठीक है, स्थायी कठोरता उसमें होती है। अब देखिए यहाँ पे पूछा है किसका है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का कौन सा यौगिक होता है। दोस्तों याद रखिएगा, जब भी बाइकार्बोनेट लिखा है, ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण ही अस्थायी कठोरता होती है जल में, और अगर उसे उबाल लेते हैं तो वो दूर हो जाता है, समझ रहे हैं। और कई बार हम उसमें क्या है, दूधिया चूना या बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम कार्बोनेट अगर हम मिला देते हैं तो वह भी दूर हो जाता है। वह क्या है, मैंने बोला कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, समझ रहे हैं। तो ये अस्थायी कठोरता है, लेकिन अब जब भी स्थायी कठोरता की बात आएगी वहाँ पे याद रखिएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम का सल्फेट भी होगा, क्लोराइड भी होगा और नाइट्रेट भी होगा। ठीक है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आप देखेंगे जो यौगिक मिलते हैं जिसमें स्थायी कठोरता होती है वो क्या क्या है, आपका सल्फेट होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम का सल्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड और कैल्शियम और मैग्नीशियम का नाइट्रेट, ये तीनों ही होते हैं तब उसमें क्या है, स्थायी कठोरता होती है। और दोस्तों आपको बता दूं कि इसको दूर करने के लिए हम पोटेशियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं, किसको, स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। और एक ऐसा भी मेथड है, ठीक है, परम्यूटेट मेथड बोलते हैं, परम्यूटेट मेथड जल की कठोरता दूर करने के लिए
इस मेथड का यूज़ करते हैं। दोस्तों बिल्कुल सिलेबस का बाहर का नहीं है, टेंथ के बुक में दिया हुआ है, तो आसानी से पीएससी या कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैंने कहा जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए जो है जो मेथड यूज़ किया जाता है परमिटेड विधि, और इसमें क्या होता है कैल्शियम मैग्नीशियम के क्या क्या मैंने बताया, सबसे पहले मैंने बताया सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट, तीनों होता है। अब याद रखिएगा एक ऐसा चीज़ में मिलाया जाता है कि किसी जल की स्थायी कठोरता भी दूर हो जाती है, अस्थायी कठोरता भी दूर हो जाती है। तो यदि हम सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, NO2CO3 सोडियम कार्बोनेट अगर हम मिला देते हैं तो उसमें जल की स्थायी और अस्थायी कठोरता दोनों ही दूर हो जाती है। आई रिपीट, सोडियम कार्बोनेट लगाने से या मिलाने से क्या है, जल की स्थायी और अस्थायी कठोरता दोनों ही दूर हो जाती है। इस प्रकार आप इसका सही आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा बाइकार्बोनेट, जो अस्थायी कठोरता के कारण होती है। उसके बाद देखिए कृत्रिम वर्षा कराई जाती है कॉपर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, भारी जल और जिंक आयोडाइड। बहुत इंपॉर्टेंट और आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है। सिल्वर आयोडाइड की मदद से कृत्रिम वर्षा आर्टिफिशियल रेनिंग कराई जाती, याद रखिएगा सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहा है। इसके बाद देखिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक सक्रिय धातु, एक्टिवेशन सीरीज ऑफ एलिमेंट, ये महत्वपूर्ण होता है। तो उसमें कौन कौन सा ऑप्शन है, पोटेशियम, सोडियम, सिल्वर और गोल्ड, कौन सा सबसे ज़्यादा सक्रिय है। हमको पता होगा सोडियम जो है सक्रिय है, इसलिए उसे क्या है मिट्टी के तेल में डुबो के रखाया जाता है। लेकिन सक्रियता श्रेणी में इससे भी ऊपर कौन है, पोटेशियम, तो पोटेशियम सबसे अधिक सक्रिय धातु है, उसके बाद सोडियम है, और उसके बाद देख रहे होंगे सी और डी ऑप्शन, चांदी और गोल्ड, ये सेकंड लास्ट और लास्ट हैं, एक्टिवेशन सीरीज में सबसे नीचे आते हैं। तो सबसे सेकंड लास्ट में क्या है, सिल्वर है, और लास्ट में क्या है, गोल्ड है। अब देखते हैं कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सुमेलित है, उसमें लिखा है कांसा या ब्रॉन्ज, कॉपर प्लस जिंक, पीतल ब्रास, कॉपर प्लस टिन, और गन मेटल कॉपर प्लस जिंक प्लस टिन, और गर्बन सिल्वर कॉपर प्लस जिंक प्लस आयरन। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बड़े ही कन्फ्यूजिंग होते हैं, और हमको अगर नहीं पता तो ये हम ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। आइए मैं आपको कुछ अच्छा मेथड बताता हूँ, जिससे कि कुछ आप ऐसे एलॉय या मिश्र धातु का नाम बहुत आसानी से जान जाएंगे। तो केयरफुली देखिए इसे, मैं जो आपको बता रहा हूँ, आइए देखते हैं ये कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए आपको, देखो मैं बता देता हूँ, कांसा या ब्रॉन्ज जो होता है उसमें एक कीवर्ड लीजिए जेड, और पीतल में उसमें कीवर्ड लीजिए एस, ठीक है। तो जब भी होगा दोनों में कॉपर कॉमन होगा, और ये जेड को आप देखेंगे इसके साथ ये मिसमैच करेगा, यानी कि ब्रॉन्ज है तो वहाँ पे जेड यानी कि जिंक नहीं होगा, टिन होगा, और वैसे ही पीतल या ब्रास है उसमें एस है, तो उसका मिसमैचिंग क्या होगा, वहाँ पे जिंक होगा, समझ रहे हैं। यहाँ जेड है तो यहाँ SN होगा, और यहाँ SS है तो यहाँ ZN होगा। आई होप ये क्लियर हो गया। तो अब ये दोनों को आप ऐड कर देते हो, तो कॉपर कॉमन है तो हमने ये लिख लिया, फिर जिंक तो ये लिख लिया, और फिर टिन, ये तीनों को अगर जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, गन मेटल बन गया। ये समझ गए आप, गन मेटल आप बन गया। तो इस प्रकार आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि कांसा या ब्रॉन्ज क्या है, किसका कॉम्बिनेशन है, पीतल या ब्रास किसका कॉम्बिनेशन है, और गन मेटल किसका कॉम्बिनेशन है। अब देखिए यहाँ पे अगर टीन को रिप्लेस कर दें किसके साथ, नी के साथ, निकेल के साथ, तो हम क्या कहते हैं, जर्मनी वर्ड यूज़ करते हैं, तो जर्मनी, जर्मन सिल्वर, तो जर्मन सिल्वर से कॉपर प्लस जिंक तो कॉमन ही था, हमने टीन को रिप्लेस कर दिया नी के साथ, तो जर्मनी वाला ट्रिक आप याद रखेंगे तो जर्मन सिल्वर बन गया, समझ रहे हैं। इसी प्रकार आप देखते हैं इस नी को फिर से रिप्लेस कर दो किसके साथ, आयरन के साथ, जहां कॉपर और जिंक तो कांस्टेंट है ही, तो इसमें क्या है, फे, आयरन को क्या हम मान लो ऐसे यूज़ करें, फे, तो डे, तो डेल्टा मेटल से फे से याद रखेंगे डेल्टा मेटल। आई होप ये भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जो एलॉयस है वो, अब यहाँ फिर से किसको उठाइए, ब्रास या पीतल को उठाइए, तो इसमें क्या है, अगर 70% आप क्या है कॉपर ले, और 30% आप क्या ले जिंक ले, तो ये क्या बनता है, पीतल बनता है। लेकिन इसमें 10% बढ़ा दो और 10% घटा दो, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि अगर आप इसमें 60% क्या करें, आप इसे इस प्रकार लिखें, 60% कॉपर है और क्या है 40% क्या है आपका जिंक है, तो इसमें क्या बनता है, ये बनता है मूंज मेटल, मूंज मेटल, समझ रहे हैं। और अगर इसमें क्या है, हमने क्या है 70 से 10% घटाया,
तो उसका कोरम पूरा होगा 40 60 40 100 मिलेगा, जैसे 70 30 100 बना था 60 40 100 बना। अब इस प्रकार अगर देखें आप इसमें इसका 10% बढ़ा दो तो क्या है, अब मतलब 10% बढ़ोतरी इसमें कर दो तो 80% ये बन गया, और उसका फिर कोरम पूरा होगा तो 20% ये क्या है आपका बन गया। तो इस प्रकार इसमें क्या बनता है, ये बनता है डच मेटल, ठीक है, समझ रहे हैं आपको दोस्तों। ये मैं एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे आपको बता रहा हूँ, कई बार कुछ स्रोतों में परसेंटेज का डिफरेंस दिखेगा तो आप घबराइएगा मत, अलग अलग क्वालिटी के ये मेटल्स बनते हैं, तो ऑब्वियसली एक स्टैंडर्ड जो परसेंटेज है वो ये है, और उसके बाद थोड़ा बहुत वो फ्लक्चुएट कर सकता है, ठीक है। परसेंटेज आपको नहीं पूछा जाता, मोस्टली किसका किसका अलॉय है ये पूछा जाता है, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया आपको, उसके बाद अगर आप देखेंगे इसमें एक और, अब हमने क्या पहले पीतल को उठाया था, अब कांसे को उठा को देखिए, तो इसमें फिर से दो बनता है, देखो कॉपर प्लस आपका टिन है, ठीक है, कॉपर प्लस टिन में है आप, ये क्या बना था, कांसा बना था। अब इसमें क्या है, इसमें भी थोड़ा सा ऐसा हम परसेंटेज में बढ़ोतरी और घटोतरी करेंगे। तो क्या है ये देखिए आप, कि कांसा बना था कॉपर प्लस टिन के कोई एक परसेंटेज अगर आप देखें, जैसे इसमें दिया हुआ है कि 90% कॉपर हो और 10% टिन हो तो मिल के बनता है कांसा, ठीक है। इसमें 10% घटा दो आप, 80% क्या है कॉपर हो गया और 20% क्या हो गया आपका टिन हो गया, तो ये बनता है बेल मेटल, जो आप सुनते हैं ना बेल मेटल, ये वही बेल मेटल है। क्लियर हो गया, मैं फास्ट रिवीजन करा देता हूं आपको। हमने सबसे पहले देखा था कि कांसा का ब्रांच हम जेड कीवर्ड पकड़ते हैं, इसमें कॉपर और कॉपर जो होता है, कॉपर के बाद क्या होता है टिन हमने जोड़ा था, उसका मिस मैचिंग करना है, यानी कि आप देखेंगे इसके अगला वाला पीतल है ब्रास है तो वहाँ एस है, तो यहाँ पे भी मिस मैचिंग कराना है, एस का एस नहीं होगा, यानी कि इस प्रकार हम तिर्यक गुणा कर सकते हैं, इधर इसको ले जाइए इसको इधर ले जाइए, समझ रहे हैं। सिर्फ किसको ले रहे हैं हम, एस और जेड वर्ड को ले रहे हैं, याद रखिएगा पूरे एलिमेंट को मत ले जाइएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपने देखा, उसके बाद हमने क्या किया तीनों को जोड़ दिया, तो कॉपर कॉमन था, जिंक है, उसके बाद टिन है, तो इस प्रकार हमारा क्या बना गन मेटल बन गया। इसके बाद देखते हैं कि हम टीन को रिप्लेस करते हैं नी के साथ, जर्मनी जर्मन सिल्वर बन गया। उसके बाद इस निकिल को हम जो है रिप्लेस करते हैं आयरन एफ ई के साथ, यानी फे, तो डेल्टा मेटल बन गया। उसके बाद हम देखते हैं ऊपर चले जाते हैं पीतल पकड़ते हैं, तो पीतल यानी ब्रास, ब्रास में हम देखते हैं कि 70% कॉपर हो 30% जिंक हो तो वो पीतल बनता है, यदि उसमें 10% बढ़ा दो 10% घटा दो तो एक में 60-40 के बाद क्या है मूंज मेटल बना, और 80-20 के बाद क्या है डच मेटल बना। ये क्लियर हो गया। उसके बाद अगर देखते हैं तो कांसा आ जाता है, कांसा में हम देखते हैं 90% कॉपर हो 10% टिन हो तो कांसा या ब्रॉन्ज बनता है, और इसमें 10% घटा दो 80% क्या है आप कॉपर मिला दो और 20% क्या है टिन मिला दो तो यह बनता है बेल मेटल। आई थिंक ये एक ही बार आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ये कभी भी आप गलत नहीं करेंगे। तो इसमें देखिए क्या है सही आंसर, 13 का सही आंसर देखिए आप, इसमें देखिए कांसा और ब्रॉन्ज, देखिए कॉपर प्लस जिंक दिया है तो मैच कर रहा है जेड और जेड, जिंक और जेड मिल मैच कर रहा है तो पहला तो गलत है। ब्रास है कॉपर प्लस टीन, तो टीन का जो जो सिंबल होता है क्या एस एन स्टेनम जो होता है, ठीक है, तो ये भी क्या है मिस मैच नहीं कर रहा है यानी मैच कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए गन मेटल कॉपर प्लस जिंक प्लस टिन, एग्जैक्टली दिस इज द राइट आंसर जो सही सुमेलित है। और जर्मन सिल्वर में देखिए हम कॉपर प्लस जिंक प्लस आयरन लिखे हैं, वो किसका है फे वर्ड आ रहा है आयरन एफ ई, तो वो क्या है आपका डेल्टा मेटल, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार आपने ये प्रश्न समझ गए होंगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नहाने के लिए प्रयुक्त साबुन में कौन सा लवण मिलाया जाता है, ऑप्शंस आर पोटेशियम लवण सोडियम लवण ए एंड बी आर इनमें से कोई नहीं, क्या है इसका सही आंसर। देखिए दोस्तों साबुनीकरण क्या है जानते हैं, साबुन बनाने की क्रिया को क्या है साबुनीकरण कहते हैं। अब इसमें देखिए कि जो यूज हुआ है पोटेशियम लवण, जब भी वसी अम्ल के साथ पोटेशियम के लवण यूज़ किए जाएँ यानी पोटेशियम सॉल्ट यूज़ किया जाए तो वह क्या बनता है आपका बाथिंग साबुन या बनता है बाथिंग सोप बनता है, यानी कि नहाने का साबुन बनता है। लेकिन जब भी आप फैटी एसिड या वसी अम्ल के साथ आप क्या मिला दें आप मिला दें सोडियम के लवण, तब उसमें क्या बनता है नहाने का साबुन नहीं बनता, धोने का साबुन बनता है, कपड़े साफ करने का साबुन बनता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, तो नहाने के लिए वाला कौन सा है ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद देखिए अम्ल लिटमस पेपर परीक्षण में करता है ना, लिटमस टेस्ट आप जानते होंगे, लिटमस पेपर किससे बनता है
लिटमस पेपर किससे मिलके बनता है अगर आप देखेंगे तो हमने पिछली क्लास में देखा था एल्गी और फंजाई का एक म्यूटलिज्म होता है लाइकेन। तो लाइकेन क्या है, एक क्या है, सहजीविता का उदाहरण है। और दोस्तों लिटमस पेपर जो है वही लाइकेन से ही मिलके बनता है। और आपको बता दूं अम्ल जो है बेसिकली ये क्वेश्चन भी बीएससी के प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर में एग्जाम में आ चुका है कि अम्ल क्या है। लिटमस में नीला को लाल करता है, हरा को नीला करता है, दिस। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है नीला को हरा, हरा को नीला, नीला को लाल और लाल को नीला। अक्सर ऐसे क्वेश्चन कन्फ्यूज़ करते हैं। याद करिए आपका मतलब ये जो कन्फ्यूज़न होता है वो एग्ज़ाम हॉल में थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए देखिए आप अपना कोई एक दोस्त बना लीजिए, उसका नाम है अनिल, ठीक है। अम्ल नीला को लाल करता है, बस दैट्स इट, क्लियर हो गया आपका। अम्ल नीला को लाल करता है यानी कि वह क्या है, ब्लू को रेड करता है। तो ये क्या है, एसिड है। और बेस क्या है यानी क्षार क्या है, वो लाल को नीला करेगा, जस्ट अपोजिट, समझ रहे हैं। तो इसे याद रखिएगा। और अम्ल क्या है, स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है। इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 से नीचे होता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, इमली में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, क्या है इसका सही आंसर। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही, क्योंकि ये सामान्य अनुप्रयोग पर आधारित है। आइए देखते हैं, एसिटिक अम्ल होता है सिरका में होता है, ठीक है, या विनेगर कहते हैं इसे भी। और सिट्रिक अम्ल जो होता है जो साइट्रेसी फैमिली वाले होते हैं, नींबू, संतरा, है ना, मौसम्बी, है ना, ये सब क्या है, साइट्रेसी फैमिली के हैं। तो सिट्रिक एसिड जो है उसमें होता है। टार्टरिक अम्ल, यस, टामरिंड या इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। इसे कैसे याद रखेंगे, जो खट्टापन होता है, आप छत्तीसगढ़ी में काफ़ी महत्वपूर्ण एक यूज़ किया जाता है टर्म, टर लागथे। तो अम्ली है टर लागथे, अगर हम बोलेंगे अम्ली है टर लागथे, तो टर वडा रहे तो टार्टेरिक याद रखिएगा, ठीक है। सिमिलरली अंगूर खट्टे हैं तो अंगूर में भी खट्टापन क्या होता है, इसी टार्टरिक अम्ल के द्वारा होता है। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ी का महत्वपूर्ण वर्ड टर लागना, ठीक है, या टर लागथे, ठीक है। अब इस प्रकार आप टार्टरिक अम्ल इसका सही आंसर है। उसके बाद ऑक्सैलिक अम्ल क्या है, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल होता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे आप सोचिए, इमेजिन करिए आपके, आप सेब के मालिक हैं तो सेब में मैलिक एसिड होता है, याद रखिएगा। दूध में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टोबेसिलस जो होता है दूध को दही में चेंज करने वाला बैक्टीरिया होता है, तो लैक्टिक वर्ड आ रहा है, तो लैक्टो, लैक्टिक एसिड याद रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है, मैं रिपीट करता हूँ, एसिटिक अम्ल विनेगर, सिट्रिक अम्ल क्या है नींबू कुल के जो फैमिली होते हैं, ठीक है, जितने भी, टार्टरिक अम्ल जो होता है वो किस में होता है, अब मैंने बताया इमली और अंगूर में होता है, ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में होता है, इसके अलावा सेब में मैलिक एसिड होता है, ये भी आपको मैंने बताया, और दूध में लैक्टिक, दही में लैक्टिक एसिड होता है, और दूध में प्रोटीन कौन होता है, केसिन प्रोटीन होता है। इस प्रकार आपका सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, सुमेलित नहीं है, क्लोरोफॉर्म सूर्य के संपर्क में आने पर फाजिन बनाती है, ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन नेफ्थलीन, खाने का सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट, और अमोनिया बनाने की हेबर विधि आयरन चूर्ण, इनका इसके साथ रिलेशन देखना है आपको। देखिए दोस्तों क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की किरण के आने पर वो क्या है, फाजिन नाम की एक विषैली गैस बनाती है, इसलिए उसे ऐसी बोतलों में भरा जाता है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश अंदर घुस नहीं पाता, ठीक है। तो फाजिन वाला करेक्ट सुमेलित है। ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन जिसमें ठोस से सीधा गैस बनता है, ठोस से द्रव नहीं बनता, यानी सॉलिड से मेल्ट होकर वो लिक्विड नहीं बनता, सीधा गैस बन जाता है। तो आपने सुना होगा कर्पूर, ठीक है, कर्पूर जो जलाया जाता है आरती वर्ती के टाइम में, या हम एक सुनते हैं नेप्थलीन, नेप्थलीन की गोली समझते हैं, डामर गोली, उसी को नेप्थलीन कहते हैं। तो हम बेसिक बोलचाल में यही बोलते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। तो नेप्थलीन जो है आपका क्या है, वह भी क्या है, ठोस से सीधा गैस में बनता है, ठीक है। जैसे घरों में कपड़े वगैरह जो है अंदर रखे होते हैं उसमें डाल देते हैं, या बाथरूम वगैरह में आप देखेंगे वहाँ नेफ्थलीन जो है गिराया जाता है जिससे कि वो बदबू नहीं आता, ठीक है। खाने का सोडा मैंने बता दिया था, जोमेटो को याद रखिएगा, वो क्या है, जब भी आपको खाने वर्ड आएगा तो सोडियम बाई कार्बोनेट, जोमेटो से आप बाई करते हैं, ठीक है, बाई करते हैं, तो खाना बाई कर रहे हैं, खासकर बैचलर जो है हम जब एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होते हैं तो अक्सर हम खाने की दिक्कत होती है, तो इस समय हम क्या है, खाना बाय करते हैं, समझ रहे हैं, चाहे होटल में जाके चाहे ऑर्डर करके, समझ रहे हैं। तो बाय याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट है, सही सुमेलित नहीं है। अमोनिया बनाने की हैबर विधि दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण विधि है। इसमें जो होता है आयरन का चूर्ण यानी आयरन पाउडर जो है जो कैटलिस्ट का काम करने के लिए दिया जाता है, उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्शन इंक, चुनावी इंक में कौन सा रसायन होता है, कौन सा केमिकल होता है जो
जो वोटिंग के दौरान हमारे हाथों में लगाया जाता है वो क्या है, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड हमने पढ़ लिया है पहले, क्या है कृत्रिम वर्षा, यानी हम कृत्रिम वर्षा कराने में सिल्वर आयोडाइड यूज़ करते हैं, तो ये तो नहीं है दोस्तों। इसका सही आंसर है सिल्वर नाइट्रेट, जिसका प्रयोग जो है जो हमारे पहले जो चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, उनके द्वारा क्या है सबसे पहले उनका यू आइडिया था और साउथ की एक कंपनी थी वो इसे बनाई थी। और दोस्तों ये सिल्वर नाइट्रेट होता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी थी जो आज भी यूज़ की जाती है, वो मिटता नहीं है, खासकर सनलाइट के आने के बाद तो और ज़्यादा ही क्या हो जाता है, वह रिजिड हो जाता है, जब तक कि वहाँ का स्किन नहीं निकालोगे वो मिटता नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध है, मिल्क इज, सॉल, जेल, पायस, इनमें से कोई नहीं, पायस मतलब इमल्सन, ठीक है, तो ये क्या है इसका सही आंसर, इसका सही आंसर है पायस यानी इमल्सन, ये दूध इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्ट्रेंजर गैस क्या है, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन और ज़ेनॉन, ठीक है, ठीक क्या है ये सब, क्या है इनर्ट गैस हैं। तो इसमें देखिए आपको बता दूं जो लास्ट ऑप्शन है ज़ेनॉन, इसका सही आंसर है ये अक्रिय गैस है, इसके बावजूद ये क्या है काफ़ी यौगिक बनाता है, काफ़ी कंपाउंड बनाता है, इसलिए इसे स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, स्ट्रेंजर मतलब अननोन, ठीक है, तो याद रखिएगा स्ट्रेंजर गैस मतलब ज़ेनॉन। आई होप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, और ये क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप डेफिनेटली एग्जाम में सही करेंगे, और आपको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।